ಶಾಲೆಗೆ ಸರಿ सहकार भारती को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने मेरे इस पौधे कॉलेज का जो अनुबल डे पर जो प्रोग्राम को याद करके बना रहे हैं, जिन्होंने अपनी बेटी का एक ये हमें कश्मीरी पंडितों से लिखना चाहिए। इस बेटे को बुलाते कहते अभिषेक जी इधर आने और क्या मेरे इधर आवे उनसे उनको आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। ज्ञान देने की कोशिश कदापि मत करें, छोटे बड़े सबको मन की करने दें, ठीक है? कभी मौका मिला इशारे में करने दें, सीख लो, कभी सिखाने की कोशिश मत करो, अपने काम स्वयं करना सीख लो, दिल पर पत्थर रखकर सब नज़ारा देखना सीख लो, मौन रहना सीख लो, अपने को जानो, आप पहचानो, अपने लिए जीना सीखो, दिल के जख्म छुपा कर रखना, कभी बताने की कोशिश मत करना। जो जगमगाती रहती जिंदगी आपकी सितारों की तरह, हम सबकी दुआ है आपके लिए मिले इस जहां में खुशियां जन्नत की तरह उस जन्नत की तरह। मैं विकट जी को प्रार्थना करूंगा, कहां हमारे रूहे रमा ब्रिगेडियर साहब, हमें मार्ग दिखाने वाले जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है सर, आपके उस दिन प्रभु ने भी जश्न मनाया होगा जिस दिन आपको अपने हाथों से बनाया, उस दिन प्रभु ने भी जश्न मनाया होगा जिस दिन आपको अपने हाथों से बनाया होगा, और उसने भी बहाए होंगे आंसू जिस दिन आपको यहां भेजकर खुद को अकेला पाया होगा, खुद को अकेला पाया। इंसान के चूंकि अभी बताया इन्होंने, मैं योग का विद्यार्थी हूं पिछले 47 वर्षों का, हमारे शरीर में एक हिस्सा ऐसा होता है जिसके बिना आदमी एक कदम नहीं चल सकता, वो कौन सा है? वो है स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। लेकिन सहकार भारती की जम्मू कश्मीर में दो रीढ़ की हड्डी है, एक है सरदार विक्रम सिंह और एक है दर्शन चौधरी। तो दर्शन चौधरी जी के लिए दो लाइनें कहना चाहूंगा, हैं भगवान से चाहते हैं आपकी खुशी पूरे ईमान से, सब हसरतें पूरी हों आपकी और आप मुस्कुराएं दिलो जान से, दिलो जान से। और हमारे साइलेंट वर्कर समाज के डॉक्टर साहब नरेंद्र जी, कदम कदम पे मिले खुशियों की बहार, दिल देता है यही दुआ बार 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 प्रार्थना करूंगा, वो उनका स्वागत है। जी सर, क्या कहना चाहिए आज के प्रोग्राम के बारे में? सर, आज का सहकार भारती पूरे देश के अंदर
कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए काम कर रही है, लोगों को ट्रेन करना, कार्यकर्ता फिर जाके सोसाइटियाँ बनवाएं और उसके बाद उसको आगे लोग उसी कोऑपरेटिव की मेन स्ट्रीम से जुड़ें, क्योंकि आजकल किसान के पास भी ज़मीन जो है बहुत स्मॉल होल्डिंग है, उसके पास स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो उनको कोई भी काम करना है, कोई भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट लेना है तो कोऑपरेटिव में ही मिलके ले सकते हैं और मिलके ही उसको चला सकते हैं। मोदी जी का जो किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कर रहे हैं 2022 तक, वो तभी हो पाएगी जब किसान जो है मंडी की व्यवस्था खुद करेगा, क्योंकि आगे जो एग्रीमेंट्स हुए हैं MSP की खरीद बंद हो जानी है, जब सरकारी खरीद बंद हो जाएगी किसान की मंडी की व्यवस्था नहीं होगी तो आमदनी दुगनी कहाँ से होगी। उसके लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेंथन करके वेयर हाउसेस की व्यवस्था करके, क्योंकि अगर जब जैसे इस टाइम प्याज है, जब किसान के घर में है तो 2 रुपये किलो, जब सरमाएदार के वहाँ जाता है, जब कंज्यूमर के पास जाता है 200 रुपये किलो, और वो बीच में कहाँ चला जाता है, कंज्यूमर भी मारा जा रहा है, किसान भी मारा जा रहा है, बीच में लूट कौन कर रहा है, पॉलिटिशियन, सरकारी अधिकारी और व्यापारी, तो इसलिए वो लूट भी ना हो तो कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। इसके लिए हम सब लोग लगे हुए हैं और जब तक MSME इंडस्ट्री जो है उसमें कोऑपरेटिव नहीं जाएगी तो तब तक वो भी स्ट्रेंथन नहीं हो पाएगी। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि मोदी जी के हाथ हम लोगों को ही मजबूत करने, अगर प्रधानमंत्री करना चाहते हैं, सरकार करना चाहती है, अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ये है।